वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अच्छा जी, अज का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के विहड़े में सैमीनार चल रहे हैं तो काफ़ी कॉलेज के स्टूडेंट पहुँचे हैं अपनिया अपनिया संगीत को लैके, तो की कहना चाहते उस संबंध में? सब तो पहले अपना नाम दसो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। असी इस गल की बहुत शलाघा करते हैं कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जिथे अकादमिक तौर पर पढ़ाई के म्यार काफ़ी पलंघा पुट रही है, उत्थे कल्चर के विरासती जड़े प्रोग्राम ने उन्हां विच भी अपनी पहलकदमी दिखा रही है। उहदे विच संगीत दे कल्चर दे पक्षों अलग अलग विषयां दे नाल जिहड़े आ यूथ फैसटिवल जिहड़े आ नौजवान पीढ़ी विच शब्द भजन और गीत गज़ल और जो साड़ियाँ विरासती ढाडी कवीशर परंपरा ने उस गायकी नूं प्रमोट करन विच भी इस संस्था वल्लों जिहड़े आ शलाघा जो कार्ज किए जा रहे ने, जिहदे विच बच्चों ने भी बहुत सारा उत्साह दिखाया है। वखो वखरे कालजां दे बच्चों ने इत्थे आण के शिरकत की है। करीबन 16-17 दे करीब टीमां सी जिन्हां ने अपने जिहड़े आ जिहड़े कला दे जोर दिखाए, उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके इत्थे आए ने, लेकिन मुकाबले की घड़ी विच बहुत मुश्किल नाल जजमेंट तौर पर फैसले लेने पैंदे ने। और मेरे नाल बहुत ही उच्च शख्सियत सरदार कुलजीत सिंह जी जो कि USA तो आए ने, उत्थे सैटल ने, और ये बहुत ही जिथे कवीशरी दे और ढाडी वारगन दे विच बाबा बोड़ ने मन्ने जांदे ने, उच्च लेखक ने, उच्च नावलकार ने। ते मेरे सामने ये मेरे साथ बैठे ने सरदार कुलजीत सिंह जी, इन्हां दी जिन्नी भी सिफत की जाए उन्नी थोड़ी है, बहुत ही बड़ी कृपा सतगुरु दी। तो कवीशरी दे खेत्र विच, लेखक दे खेत्र विच, नावलकार दे खेत्र विच, बैंक दे विच खेत्र विच, होर बहुत सारे खेत्रां विच इन्हां ने इन्हां दी जिहड़ी ओह कारगुजारी बा कमाल है। तो मेरे नाल जिहड़े अपना भाई साहब जी सरदार गुरकमल सिंह जी, ये भी बहुत वार गायन ढाडी गायन बारे बहुत सारी उच्च जानकारी, कवीशरी बारे बहुत उच्ची जानकारी रखते ने। ते मेरे नाल मैं दास प्रोफेसर जगरूप सिंह, डायरेक्टर नाद राग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हजूरी दागी सचखंड श्री दरबार साहब, और साढ़े तिना वालों अज के विशेष तौर पर यूथ फैसटिवल ढाडी वार गायन और कवीशरी के जो बच्चों ने पार्टीसपेट किया उन्होंने असी तिना द्वारा जजमेंट की गई। तो जो जजमेंट की क्योंकि बच्चों का साढ़े कोई कॉलेज का नाम नहीं हुंदा, एक टीम का नंबर दिता जाता है, तो क्योंकि फिर वो सीक्रेट नंबर यूनिवर्सिटी वालों जो अलाट किया जाता उस हिसाब न असी बच्चों के जोड़े आना फस्ट सैकेंड जो उन्होंने काबिलियत दे सकते, क्योंकि थोड़ा जहा बच्चों का फर्क हुंदा है, तो अधे या पौने नंबर के फर्क न ही बच्चों की जड़िया फस्ट सैकेंड थर्ड जो कटे जाते हैं। कई बार बच्चे बिल्कुल बराबर हो जाते, फिर उन्होंने इक्के दो टीमों इक्के पोजिशन भी लिया पै, तो इस तरीके जो अज का रिजल्ट जोड़ा वो कटिया गया। सर की है दोबारा असी जिस तरह की बच्चा एक बार रुक जाता जो दोबारा उसको टाइम दिता जा सकता है? वो की होंगे कि टाइम देना वो बच्चे का हौसला अफजाई हों, क्योंकि बच्चे भावुक होंगे ने, बच्चे कुछ भी गलत कदम चुक सकते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ कोई टीचर ज कोई होर उन्होंने जलील करता जिस फिर बच्चा गलत कदम भी चुक सकता, इस करके असी बच्चे का हौसला अफजाई करनी जरूरी होंगी है। तो असी साढ़े तिना वालों एक फैसला लिया गया कि बच्चा स्टेज पर आने के जो पहली बार स्टेज पर आता है तो व्डे व्डे लीडर डोल जाते हैं, व्डे व्डे बुलारे डोल जाते हैं, तो ये कोई वड्डी गल नहीं है। जे बच्चा भुल जाता, डोल जाता, घबरा जाता है, तो उत्थे उन्हें जो दोबारा समा दे दिता जाता, लेकिन पोजिशन लियानी वो अलग विषय है, पोजिशन नहीं लिया, लेकिन उसनों हौसला अफजाई देनी वो यो साड़ा एक अपना कि मेरे नाल। हाँ, इन्हां दे सारयां दे साढ़े तिना दे फैसले अनुसार असी वो बच्चे नूं फैस जिहड़ा टाइम दिता। ते सर की सुनेहा देना चाहते पंजाब वासियां जिस तरह की ढाडी वार जां संगीत जां किसी भी पक्षों जिहड़े वांझे हो रहे आ? देखो जी, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और होर जिहड़ियां नामवर संस्थावां वल्लों इस इन्हां जिहड़ियां विरासती गायन शैलियां नूं प्रमोट किया जाता है, उत्थे जिहड़ी अकादमिक तौर पर सिख्या संस्थावां स्कूल कॉलेज और गुरु नानक यूनिवर्सिटियां वालों, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वालों भी ये जिहड़े कार्ज किए जाते शलाघा योग ने। असीं चाहुंदे हां कि बच्चों नूं मापिआं दा भी फर्ज बनता है कि वह वध तों वध इस जिहड़े खेत्र दे नाल जोड़िया जाए, ये चीज़ां सुणन नाल ज़्यादा आउंदियां ने, क्योंकि साडा जिथे अज दा यूथ जिहड़ा कारां दे विच लचर गायकी ज़्यादा सुणदा है, तो ये
जिहड़ी गायकी है साडे खून दे विच इक जोश पैदा करदी है, ते जिहड़ी कि विरासती तौर ते छेवें पातशाह ने सानू बख्शिश कीती है, और गुरु ग्रंथ साहिब विच वी जिहड़ियां धुनां ने नौ धुनां ने उह वी उहदा संबंध वी इहनां वार गायन ते कवीशरी दे नाल है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब विच वी जिहड़े छंद मिलदे ने होर गुरु दसम ग्रंथ विच वी छंद ने उह सारा इह सारा कुझ ही उह विरासत है साडे कोल गुरु पातशाह दी विरासत नूं संभालणा कि ये सच्चे गुरु घर के सपुत्र होने की जी मैं समझदा कि उस चीज़ का लिखाया गया। मैं एक गल कहनी चाहना कि नौजवानों ढाडी बनने तो शर्मावो ना। अज हर बच्चा गायक बनना चाहता है, लोक गायक बनना चाहता है, पर ढाडी कला नूं बहुत घट तरजीह दी जा रही है। नौजवानों ढाडी बनने तो शर्मावो ना, ढाडी बन के तुसी कौम की सेवा कर सकते हो। तुसी अज ढाडी कला भी एक कमाई का साधन है, तुसी बाहरले मुल्कां च जाके अपने फन का मुजहरा कर सकते हो। सो मेरी नौजवानों नूं अपील है कि एक पंजाबी माँ बोली का सत्कार करो, एक ढाडी कला का सत्कार करो। तो मैं संगीतक कंपनियां जिहड़ियां उन्हां अगे भी बेनती करांगा कि असली कलाकारां नूं मौका दिओ, क्योंकि असल जिहड़े इहदे वारस ने उन्हां नूं अक्खां तों ओले कीता जा रहा है। सो कि ढाडी कला नूं अज बहुत प्रफुल्लित करन दी लोड़ है। सरकारां इहदे वल बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहियां। अज लोक ढाडी जिहड़े ने उह कला बिल्कुल समाप्त हुंदी चली जा रही है, कोई लोक ढाडी बनन लई तैयार नहीं। सो मैं नौजवानां नूं बेनती करांगा कि भाई ढाडी बनन तों शर्मावो ना। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਭੁੜਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਣ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਯੋਗਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ, ਇੰਨਾ ਇੰਨੇ ਯੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।